हेलो फ्रेंड्स, तो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हो क्या रहा है आइगन वैल्यूज में, एक वेक्टर जो था एक्स वो अपने ही वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ थ्रू ए, और किसका मल्टीप्लाई है, स्केलर क्वांटिटी दैट इज लेमडा, स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई होके हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में चेंज कर दिया, और फाइनली हमने ए एक्स इक्वल टू इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे माइनस लेमडा, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसमें मल्टीप्लाई करें। सो वी गेट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पर आपको बताया था लेमडा इज आइगन वैल्यूज। नाउ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ए माइनस लेमडा आई, दैट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और एक्स इज आइगन वेक्टर। सो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, राइट, ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को, जो लेमडा की वैल्यूज आएंगी दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो चलिए एग्जाम्पल दो लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिये पहला एग्जाम्पल लिया है, 2x2 की मैट्रिक्स है और इसमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना, ए इक्वल टू 1 -5 -2 4। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू क्या है ये पुट कर दिया माइनस लेमडा, और आई की वैल्यू क्या है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की, तो 1 0 0 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 1 और माइनस लेमडा इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1 लेमडा -2 माइनस ये 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -2 -5 और 0 इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा -5 ही रहेगा, और 4 यहाँ 1 है माइनस लेमडा, यानी 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो आपका हो जाएगा दिस, और 5 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और फिर माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की कौन कौन सी वैल्यूज आपकी निकल गई, लेमडा इज इक्वल टू 6 and -1, इसको सॉल्व करने पे। इसी तरीके से देखिए जितनी क्रॉस जितनी की मैट्रिक्स, जितने डिग्री का पॉलिनॉमियल बनेगा उतने ही क्या होंगे आइगन वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी इसको बोलते हैं। और देखिए इस 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल बनेगा, 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल बनेगा, तो इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे। इसका भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू पुट कर दिया लेमडा और आई की, क्योंकि यहाँ 3x3 का हमने मैट्रिक्स लिया तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। उसके बाद देखिए क्या है, वैसे ही सब्सट्रैक्ट किया, 1 -λ, 3 -λ, -2 -λ, बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0। तो ये आपका क्या निकल गया, ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 -λ, दिस माइनस दिस, तो यही सिर्फ बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे अगर ये -2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई करके, -3 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो भी ये 0 कर देगा, यानी यही आपका इक्वेशन बनेगा। और ये 3 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, लेमडा इक्वल टू 1, 3 और -2। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में हमने क्या फाइंड आउट किया, हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इंक्लूड करूंगा वो क्वेश्चंस जो गेट में आए हुए हैं या किसी और कंपटीशन के एग्जाम में जो भी आते हैं, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो इस आइगन वैल्यूज पे बेस्ड होता है, बहुत ही सिंपल होता है, उसको अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के वीडियो लेक्चर में ऐसे ही और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।